Assalamualaikum. I hope inshallah that you would be fine by the grace of Allah. My name is Muhammad Rashid and I am here for presentation. I am sending my presentation to Dr. Shobaz Ali. He is my favorite teacher. Today the topic of my presentation is about antibiotic. सबसे पहले हम देखते हैं कि antibiotic है क्या. A medicine such as penicillin or its derivative that inhibit the growth of or its destroyed microorganisms is called antibiotic. Now we come to the part of where we talk about antibiotic. Antibiotic are used to treat or prevent some type of bacterial infection. They are not effective against viral infection such as common cold or flu. Antibiotic should only be prescribed to treat health problem and that are not serious but unlikely to clear up with antibiotic. Antibiotic है क्या? Antibiotic एक किस्म का microbial मादा है जो बैक्टीरियल के खिलाफ मुतारिक होता है. बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे अहम किस्म का एंटी बैक्टीरियल एजेंट है और इस तरह के इन्फेक्शन के इलाज और रोकथाम से एंटीबायोटिक अद्वियात बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं. या वो बैक्टीरिया की अफजाइश को रोक सकती हैं या वो मार सकती हैं. एंटीबायोटिक की महदूद तादाद में एंटी प्रोटोजोल सरगर्मी भी है. एंटीबायोटिक आम सर्दी या इन्फ्लुएंस जैसे कि वायरस के खिलाफ मुआसिर नहीं है. एंटीबायोटिक दवाओं से एंटीबायोटिक बॉडी एसोरीज़ की नशोनुमा को रोकता है जिसके नतीजे में एक रुकावट पैदा होती है. बाज़ो औकात एंटीबायोटिक इस्तलाह लफ्जी ज़िंदगी की मुखालफत यूनानी जड़ों से एंटी के खिलाफ ज़िंदगी की हैसियत से वसी पैमाने पर जरासीमों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मादे का हवाला देता है. लेकिन बाज़ तौर पर एंटीबायोटिक जिसे पेंसिलिन कुदरती तौर पर तैयार होते हैं. थैंक यू.